पिछले कांग्रेस काल में जिस तरीके से जो काम हुए शिविर लाइन के हुए, रोड के हुए, नाली के हुए, नालों के हुए, उसका नतीजा, उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं कि पहली बारिश आई है और बारिश आने के पश्चात इतना हाहाकार मचा, उसका मुख्यतः कारण है कि अनियमितताएं हैं, रोडे डली है जो धस रही है, शिविर लाइन डली है वो धस रही है, यानी काम को फॉर्मेलिटी के रूप में किया गया है, तो इनकी जांच होनी चाहिए, इनके घोटालों की जांच होनी चाहिए। और जो पिछले कांग्रेस काल में वो स्मार्ट सिटी का जो करोड़ों रुपए को बर्बाद किया गया है, उन सब की जांच होनी चाहिए। भले वो चौगान स्टेडियम हो, भले हमारे राधा गोविंद कॉलेज हो, भले हमारे नाले हो, भले हमारे क्षेत्र के जो भी विकास कार्य स्मार्ट सिटी के साथ हुए हैं, उन सब की जांच की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं कमियां रही है, खामियां रही है, जिसकी वजह से आज शहर में ड्रेनेज प्लान जीरो हो गया। दूसरा, उन अधिकारियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी तनख्वाहें रोक देनी चाहिए, सस्पेंड भी कर देना चाहिए, जिम्मेदार और ठहराना चाहिए। जिन अधिकारियों की ये कमी रही कि पहले उन्होंने ये देखा नहीं कि मकान का लेवल क्या आ रहा है, मकान का लेवल जो आ रहा है उस मकान के लेवल से ऊपर रोड डाल रहे हैं, पुरानी रोड को हटाए बिना रोड डाल रहे हैं, रोड पे रोड डाल रहे हैं, फिर नाली नहीं बनाई, फिर उसके बाद शिविर लाइन का काम बाद में कर रहे हैं, तो ये क्या तरीका है? विद्युतीय काम बाद में करेंगे, पहले रोड डालेंगे, फिर शिविर लाइन डालेंगे, फिर रोड डालेंगे, फिर उसके बाद विद्युत डालेंगे, फिर रोड डालेंगे, फिर उसके बाद और कोई लाइन डालेंगे। तो ऐसा सिस्टम बिल्कुल भी हमें समझ में नहीं आया। मैं तो आज मौजूदा भाजपा की सरकार में अब जो काम होंगे उसके लिए मैंने पूर्व में यूडीएच मंत्री जी को निवेदन कर दिया है, इन कामों को शुरुआत करने से पूर्व वहां क्या क्या पहले काम होने हैं उसकी पहले करवाएं कि वहां विद्युतीय लाइन डलनी है, वहां नाली डलनी है, वहां शिविर लाइन डलनी है, वहां का ड्रेनेज प्लान पहले ओके हो, उसके बाद में रोड डलनी है, और उन मकानों में पानी भी ना जावे, मकान से ऊपर रोड भी ना जावे, उसको भी देखा जाए। तो हम तो अब सरकार आई है, बजट आया है, अब काम की शुरुआत होगी। ये पिछले जो गलत काम हुए उसका नतीजा है कि शहर में इस प्रकार से गाड़ियां धस रही है, और इस प्रकार से नाले धस रहे हैं, इस प्रकार से शिविर लाइन धस रही है। इन घोटालेबाजों की कांग्रेस सरकार के अधिकारी और पूर्ववर्ती सरकार के मंत्रियों की सबकी जांच होनी चाहिए, और वो पैसा वसूली उनके द्वारा करना चाहिए। तो हमारा प्रथम प्राथमिकता है, हमने आने के पश्चात जितने भी पत्र लिखे हैं वो पहले लिखे हैं, नालों की साफ सफाई, नालों का बड़ा करना, नालों के कब्जे हटाना, ड्रेनेज प्लान को ओके करना। शहर में पूरे जयपुर का पानी जाता है, जयपुर का पानी, पूरे जयपुर का पानी ढलान में हवामहल में जाता है, हवामहल से जलमहल इत्यादि आगे जाता है, अन्य कितने उनमें जाता है। तो पहले शहर का पानी तो है ही है, उसके अलावा बाहर का पानी भी शहर में होके जाता है, तो इसको ड्रेनेज प्लान को ओके करने की आवश्यकता है। पानी भराई की समस्या तो शुरू से ही है शहर में, लेकिन इस समस्या का निराकरण भी ढूंढने की आवश्यकता है। कुल दुखद घटना है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ है, और दोबारा भगवान न करे ऐसी कोई घटना घटे। बारिश तो आनी चाहिए, बारिश आएगी तो समृद्धि आएगी, अन्न की उपज अच्छी होगी, राजस्थान समृद्ध होगा। ये सुशासन और राम राज्य की स्थापना होने से ही बारिश अच्छी आई है, अकाल खत्म हो गया अशोक गहलोत जी के साथ ही, लेकिन अब पानी आया है तो पानी को सजोना भी है। प्राचीन बावड़ियां हैं, कुएं हैं, उन्हें जल भरण की व्यवस्था हो, हमारे जितने बांध इत्यादि हैं रामगढ़ बांध तक पानी जावे उसकी व्यवस्था हो, और हमारा ड्रेनेज प्लान ओके हो, इस पर भी प्लान सोच समझकर करने की आवश्यकता है। देखिए, कुत्तों के बारे में निरंतर बंदर और कुत्तों के बारे में शिकायत आती है, गाय कुत्ते और बंदर, लेकिन क्या है, गोपालक की गाय तो उठा ली जा रही है, उठाई जा रही है रोज नियमित। बंदरों के लिए, बंदरों को जहां छोड़ के आते हैं वो वापस वहां से उतने वहां जाते हैं। कुत्तों के लिए एक हाईकोर्ट का, हमारे को हाईकोर्ट की तरफ से एक रोक लगी हुई है कि कुत्तों को आप जहां हैं वहीं रहेंगे, आप दूसरी जगह नहीं छोड़ सकते। तो ये समस्या है, हाईकोर्ट का आदेश है, लेकिन इसका भी कोई निराकरण करेंगे? मैं तो जैसे मांग कर रहा हूं कि जिस प्रकार से गौशालाएं हैं उस प्रकार से कुछ स्वानशाला भी बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत अत्यधिक कुत्ते हैं। तो अब कुत्तों को शहर में रखते हैं तो शहर में कोई घटनाएं घटती है, या कुत्ते गाड़ियों के नीचे आके खत्म होते तो भी दुखद बात है, और अब उनके लिए भी कोई जगह तय करनी पड़ेगी कि वहाँ उन श्वानों को ले आके रखा जाए, उनकी वहाँ भी सेवा हो पाए। जीव की सेवा हमारा तो धर्म है, और हम सब जीवों में परमात्मा मानते हैं, तो हम किसी भी जीव को इस रूप में भी नहीं छोड़ सकते उसके साथ कोई तकलीफ हो। पहले भी तो सारे जीव जंतु पशु पक्षी सब परिवार की तरह सब साथ रहते थे, ठीक है, आज शहर में कॉलोनियों में किसी को आपत्ति है और वो चाहते हैं कि वहाँ नहीं रहे, तो उसके लिए भी कोई जगह ढूंढेंगे, लेकिन कोर्ट का आदेश है, हमें उसकी भी पालना करनी पड़ती है। बिल्कुल है, ये पूर्ववर्ती सरकारों में अनियमितताएं हैं, गलत काम हुए हैं, गलत तरीके से पुरानी बिल्डिंगों को तोड़कर कॉम्प्लेक्स बना दिए गए हैं, बेसमेंट बना दिए गए हैं,
और जो उनमें कमियां रही है, जिन कामों में कमी रही है, उन कामों को जांच की आवश्यकता है और सील करने की आवश्यकता है। गलत काम के बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं और हम ऐसे काम कहीं होते हैं तो हमारे पास शिकायत आएगी तो हम उसे रोकेंगे।